क्षेत्र के घोकना इलाके में बीती 23 अप्रैल को बाइक सवार बदमाशों ने शोरूम बंद करने के बाद कैश गिन रहे एक कैशियर के हाथों से हथियारों के बल पर 30 लाख रुपए लूट लिए थे और मौके से फरार हो गए थे। इसकी सूचना लिखित सूचना जो कि शोरूम के मालिक ने पुलिस को दी थी, जिसके बाद से ही पुलिस की 8 टीमें लूट की वारदात को खोलने में लगी हुई थी। आखिरकार पुलिस ने इस लूट में शामिल 4 बदमाशों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जिसके कब्जे से 23 लाख रुपए अवैध असला और एक बाइक बरामद की गई थी। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एक लूट की घटना को अंजाम दिया था, जहाँ का खुलासा किया है पुलिस ने, क्या कुछ बरामदगी हुई है, कितने की वो लूट थी, क्या कुछ घटनाक्रम रहा था। देखिए 23 तारीख की रात्रि को सियानी गेट पुलिस को सूचना मिली कि एक LG इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम कम गोडाउन में तमंचे के बल पर लगभग 30 लाख रुपए की एक लूट हो गई है। इसमें तत्काल ही पुलिस ने सर्विलेंस की, CCTV फुटेज की एवं मैनुअल इंटेलिजेंस की टीमें बना दी थी। कल देर रात्रि मुखबिर की सूचना पर हमको राम चमेली चड्ढा स्कूल के पास जो चौराहा है वहाँ पर हमें संदिग्ध 3 लड़के दिखाई दिए थे। जब हमने इनकी विस्तृत पूछताछ करी तो पता लगा कि यही लोग उस घटना में इन्वॉल्व थे। इनके पास से हमको 22 लाख रुपया, 4 किलो गांजा, 2 तमंचे, 315 बोर एवं घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई है। और इन्होंने पूछताछ में बताया है कि इनका 2 महीने से पहले ही इसका लूट करने का प्लान था। किस तरह से ये लूट की घटना को अंजाम दिया गया, सीक्वेंस किस तरह उसको बता दीजिए। देखिए इन लोगों ने प्लान करा था, ये इस लूट के पैसे के बाद ये गांजा खरीद के उसकी तस्करी करने का प्लान था। इसमें आकाश नामक व्यक्ति जो कि लूट में इन्वॉल्व थे, इनके भाई टिंकू जो हैं वो बस अड्डे पर खड़े हुए थे, 1 लाख रुपए उनके पास से बरामद हुआ है। इन लोगों ने पहले तो इस घटना को 22 तारीख को भी आके प्रयास करा था, और जिसमें कि जो कुंडी थी वो अंदर से बंद थी, जिस वजह से घटना पारित नहीं कर पाए। संतोष नेपाली जो हैं ये पुराने इनके यहाँ नौकर हैं, जिसने ये प्लान बनाया था कि आप दोनों आकाश और प्रिंस के साथ मिलकर ये घटना कारित करने वाले थे। और उसके बाद इन्होंने जब ये प्लान बनाया, इन लोगों ने ये घटना को कारित करके 23 लाख। तो ये थी लॉनी से हमारे संवाददाता प्रमोद गर्ग की रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए टुडे जुनून के साथ।